नमस्कार श्रोताओं, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि बकरे का क्यों काटा जाता है, बकरा काटने के पीछे रहस्य क्या है। श्रोताओं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक कहानी के माध्यम से, मैं आपको बताऊंगा कि एक चौराहे पर बकरा काटा जा रहा था। एक हाथ में राजा चाकू था, एक हाथ में रानी के चाकू था। राजा कह रहा था, कान पकड़े था, कि इस बकरे को मैं काटूंगा। रानी कह रही थी, इस बकरे को मैं काटूंगी। तो लोग देख रहे थे इस बकरे पे क्या झीना झपटी हो रही थी, कि राजा कह रहा मैं काटूंगा, रानी कह रही मैं काटूंगी। चलते हैं और बताते हैं इस बकरे का पीछे का रहस्य। श्रोताओं, एक रतनगढ़ राज्य था। रतनगढ़ का राजा एक रत्नेश था। वो विद्या सीखने जाया करता था गुरु के पास में, और वो अपने मंत्री को भी साथ में ले जाया करता था। एक दिन वो अपनी रानी से कहा, रानी मैं विद्या सीखने जा रहा हूँ, अब की ऐसी विद्या सीखूंगा जो किसी ने नहीं सीखी होगी। रानी ने कही, तो रानी से वो रानी को एक अंगूठी दे के गया, कहा अगर मैं नहीं आऊँ, अगर मेरे वेश में कोई आए तो अगर वो आपसे अंगूठी मांगे तो समझ लेना मैं राजा हूँ, अगर वो अंगूठी ये नहीं मांगे तो समझ लेना ये कोई बहरुपिया है। इतनी बात सुनकर रानी को बता दी। अब जब राजा विद्या ध्यान करने जाते थे गुरु के पास में, और उसके बाद में मंत्री भी पीछे से जाया करता था, रोज जाया करते थे। मंत्री पीछे बैठ जाता था रास्ते में, और राजा विद्या सीखने लगे। राजा ने एक ऐसी विद्या सीखी कि अपने प्राण किसी के मृत शरीर में जाके तो वो जीवित हो जाएगा। जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति पड़ा है, जैसे बकरा मरा हुआ है, अगर वो अपने चाहे प्राण बकरे में डालकर खड़े हो जाएंगे, उनका शरीर मृत अवस्था में पहुंच जाएगा। अब पीछे से जो मंत्री था वो ये विद्या छिपके सीखने लगा था। जैसे ही राजा उधर करते थे, उधर वो मंत्री सीख लिया करता था। श्रोताओं, जब राजा चल दिए तो मंत्री ने कहा, राजा आज आपने क्या सीखी? तो राजा ने कहा, मैंने आज ऐसी विद्या सीखी है तो बताइए। क्योंकि मंत्री को तो पता था कि राजा ने क्या सीखा। रास्ते में एक तोता था, वो मरा पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा, देखो इस तोता पर मैं अपनी विद्या को चलाऊंगा। राजा तुरंत अपने शरीर से निकले और तोते के अंदर प्रवेश हो गए। जैसे ही वो राजा तोते के अंदर प्रवेश हुए, क्योंकि जो मंत्री था उसने छिपके से वो विद्या सीख ली थी, और तुरंत मंत्री तो जानता ही थी उस विद्या को, मंत्री ने अपना शरीर छोड़ा, तुरंत राजा के शरीर में प्रवेश हो गया और मंत्री का वहाँ शरीर मृत अवस्था में हो गया। उधर राजा तोते के अंदर पहुँच गए हैं, उधर वजीर राजा के अंदर पहुँच गया है। सेनापति था उनका मंत्री। फिर चल देते हैं दोस्तों, क्योंकि जब तोता बन गए, तोता उड़ जाता है, और फिर वो जो मंत्री था वो राज दरबार में पहुंच जाता है और रानी के पास जाता है। तो मंत्री को तो पता नहीं थी राजा क्या कह के गए, तो रानी समझ गई ये कोई बैरुपिया है, ये धोखा कर रहा है। तो उसने कहा, रानी मैं आपके पति हूँ। रानी बोली, नहीं आप मेरे पति नहीं हूँ, क्योंकि वो वास्तव में नहीं था। फिर उसे संकट आने लगा मंत्री को, कि ऐसा ना हो मेरी कहीं पोल खुल जाए। तो उसने सभी जितने भी तोते थे सबको पकड़वाना चालू कर दिया। जो जिंदा तोता लाएगा उससे 10 रुपया दी जाएंगी, जो मरा हुआ तोता लाएगा उससे 5 रुपया दी जाएंगी। दुनिया के जितने तोते थे सब आने लगे, पकड़ के आने लगे, और सबको वो मार देता था, ऐसे ही मार देता था। उधर जो राजा रत्नेश थे वो एक तोतों के झुंड में जाकर पहुंच गए और रहने लगे। एक शिकारी ने वहां जाल बिछाया और वो उन्हें फांसने लगा। जब उन्हें फांसने लगा, क्योंकि उस पेड़ पे लगभग 100 तोते बैठे हुए थे, अब तोते बोले कैसे जान बचाऊं।
तो उन्होंने कहा राजा ने कि मैं आपको एक युक्ति बताता हूँ, 100 तोते आप अपनी अपनी गर्दन मरोड़ लो, मक्कर कर लो, जैसे ये लगे से कि मैं मर गया हूँ। सब तोतों ने ऐसा किया कि जब धमाके गिनते रहना, जब 101 धमाका हो तो समझ लेना कि मैं गिरा हूँ, उड़ जाना आप। धीरे धीरे वो शिकारी तोता को फेंकता गया, जब 100 धमाका हो गए, जैसे 101 होने वाला था, उसकी छुरी ऊपर से निकली, नीचे गिर गई, सभी तोते उड़ गए। जब सभी तोते उड़ गए, उधर राजा फंस गए। तभी वो शिकारी कह रहे, राजा तूने ही मेरे तोते को, तू एक ऐसा तोता है, तूने मेरे सारे तोतों को उड़ा दिया है, अब मैं तुझे मारूंगा। तब तोता बोला, तुम मुझे भैया मारोगे तो तुम्हें कितने रुपए मिलेंगे? 10 रुपए। अगर मैं आपको 1000 रुपए दिलवा दूं तो आपका कैसा रहेगा? तभी शिकारी बोला, इससे बड़ी क्या बात, आप चलो एक राज्य में। उधर एक राज्य था जो नांगपुर राज्य था, वहाँ उसकी ससुराल थी राजा रत्नेश की, और उसकी सालियों को भी पता लग गया था कि मेरे जीजा जी हैं वो तोता बन चुके हैं। तो वहाँ तोता को ले गया और उनसे कहा, इन्हें तुम 1000 रुपए दे दो। 1000 रुपए उन्हें दिलवा दिए और तोता वहाँ रहने लगा, क्योंकि तोता बहुत खुश था। और उधर राजा की रानी भी अपने पीहर आई हुई थी, जब उनसे पूरी बात बताई तो बहुत बेचारी रोई। उसके बाद में मंत्री से कहा उन्होंने, क्योंकि मंत्री उसे रानी को अपनी पत्नी बनाना चाह रहा था, क्योंकि राजा के भेष में था, तो उसने कहा, राजा को बुलाया जो मंत्री था, कि मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ, पहले ऐसा करूँ, एक बकरा आया, बकरे को, जो मरा हुआ बकरा था, कहे इस बकरे को जिंदा कर दो। रानी ने कहा अपने मंत्री से, जो मंत्री था राजा के भेष में, उससे कहा कि तुम इस बकरे को, मरे हुए को जिंदा कर दो, तो मैं तुम्हारी हमेशा के लिए पत्नी बन जाऊंगा। क्योंकि मंत्री था वो राजा के भेष में था, राजा के शरीर में प्रवेश था, जैसे ही उसने अपना शरीर छोड़कर, राजा वाला छोड़कर बकरे में प्रवेश हुआ, तुरंत राजा जो तोता बने थे उन्होंने तुरंत अपना शरीर कब्जा लिया, तुरंत अपने शरीर में प्रवेश हो गए और वो खड़े हो गए। अब जो मंत्री था वो चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, क्योंकि वो बकरा के अंदर पहुंच चुका था। फिर उसके बाद में मंत्री को अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ, एक तरफ राजा ने उसका कान पकड़ा, एक तरफ रानी ने पकड़ा, बीच चौरा पे ले गए। राजा कह रहा मैं काटूंगा, रानी कह रही मैं काटूंगा। एक कहानी का यही तात्पर्य है श्रोताओं, इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है, मुझे अपने हुनर का और शिक्षा का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने से बड़ों का पालन करना चाहिए, जिसका मैं अन्न खाता हूँ उसकी मुझे नमक हरामी नहीं करना चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।